जनसत्ता संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। अब केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जहां इसके पीछे निश्चित ही ठोस और जायज कारण है, तभी सरकार इस संगठन के धड़ों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाने को मजबूर हुई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर का अलगाववादी संगठन है। इसके नेता चाहे वे कट्टरपंथी धड़े को हों या उदारवादी गुट के, कश्मीरी आवाम के हितों और उसके लिए संघर्ष का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये नेता जिस तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं वे भी किसी से छिपी नहीं है। ताज़ा मामला पाकिस्तान के कॉलेजों में कश्मीर के छात्रों को सीट दिलाने से जुड़ा है। हुर्रियत के नेता कश्मीरी छात्रों में मोटी रकम लेकर उन्हें पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाते थे। इससे जो पैसा मिलता था उसका इस्तेमाल घाटी में आतंकी गतिविधियों में अंजाम देने में होता था। इसका पर्दाफाश पिछले साल हुआ था, तब मामला दर्ज हुआ और हाल में इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पैरा: कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी और आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से पैसा व दूसरी तरह की मदद मिलती रही है, यह कोई छिपी बात नहीं है। भारत तो दुनिया को सैकड़ों बार इसके सबूत भी दे चुका है कि पाकिस्तान किस तरह से अलगाववादी संगठनों को पाल रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है और घाटी में आतंकवाद फैला रहा है। इसलिए अब इस मामले में ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। पैसा लेकर कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में दाखिला दिलाने के मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने की है। जांच में सामने आया कि हुर्रियत के नेताओं ने पाकिस्तान के शिक्षा संस्थानों में सांठगांठ की है। ये लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित कई पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाने के लिए एक एक सीट का 10 से 12 लाख रुपए वसूलते थे। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। गौरतलब है कि जुलाई 2016 में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में कई दिनों तक अशांति रही थी। इसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के एक नेता पर 5 करोड़ रुपए देने का आरोप है। ये सारी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए अलगाववादी समूहों से जुड़े नेता किस तरह से पैसे लेते देते रहे हैं। पैरा: इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद वहां सक्रिय अलगाववादी गुटों की कमर टूटी है। इनके ज़्यादातर नेता जेल में हैं या नज़रबंद हैं। सरकार की सख्ती के बाद पथराव जैसी घटनाओं में भी खासी कमी आई है, वरना घाटी में बंद, पथराव और सेना सुरक्षा बलों पर हमले तो रोजाना की बात थी। हालांकि ऐसा भी नहीं कि घाटी में अब आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। आज भी आतंकी पूरी ताकत से जुटे हैं, सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं।
घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू न होने पाए, इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। कहने को 2 साल में घाटी के हालात बदले तो हैं, पर चुनौतियां अब भी कायम नहीं हैं। अलगाववादी संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तानी मदद पर पलने और उसके इशारे पर चलने वाले अलगाववादी संगठनों पर नकेल तो कसनी ही पड़ेगी। पैरा पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को जब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई, उसके बाद कुछ घटनाक्रम के समानांतर खास तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख से यह लगा कि पार्टी ने फिलहाल अंदरूनी कलह को काबू कर लिया है, लेकिन अब एक बार फिर हड़बड़ी से भारी यह फिर अवांछित बयानबाजियों की वजह से न केवल सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच बल्कि राज्य स्तर पर पार्टी के भीतर घमासान उठता दिख रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले सिद्धू के 2 सलाहकारों ने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसलों पर टिप्पणी करते हुए यह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा कि इसके असर क्या हो सकते हैं। सिद्धू के एक सलाहकार ने जहां अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान से संबंधित बयान पर सवाल उठाया, वहीं दूसरे ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर विवादित बयान दे दिया। यह जग जाहिर है कि ये दोनों फिलहाल राजनीतिक रूप से कितने संवेदनशील मुद्दे हैं, बल्कि इस पर घोषित रुख का असर सीधे सीधे जन समर्थन पर पड़ता है। यही वजह है कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मुद्दों पर रुख तय करते हुए लोकप्रिय धारणाओं का ख्याल रखती है। पैरा इसलिए पंजाब में चुनाव नज़दीक होने के मद्देनज़र अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को अपने सलाहकारों को काबू में रखने की सलाह दी तो उसकी अहमियत समझी जा सकती है। समस्या यह है कि वक्त के तकाजे के विपरीत पार्टी के दोनों खेमे अब भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझ रहे कि उनके बीच इस तरह के टकराव का आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। हालांकि सिद्धू ने अपने सलाहकारों को विवादित मसलों पर सफाई मांगने के लिए तलब किया, मगर उन्हें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने अगर उन्हें राज्य में पार्टी की डोर सौंपी है तो उसका मतलब यह भी है कि वे जन समर्थन को या तो बनाए रखें या फिर मजबूत करें। विडंबना यह है कि कुछ समय पहले सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जो तीखा टकराव देखने में आया था, उसके सुलझने और सामान्य हो जाने की खबर के बाद अब भी उनके समर्थकों के बीच एक दूसरे को कमतर साबित करने की बेमानी कोशिशें चलती रहती हैं। सवाल है कि प्रत्यक्ष दिख रहे अपने मकसद में अगर दोनों खेमे कामयाब हो भी जाएं तो अपने स्तर पर पार्टी और उसकी राजनीति को क्या देंगे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनातनी एक सीमा से ज़्यादा हो गई थी और लगने लगा था इस टकराव की कीमत पार्टी को भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ेगी। इसके मद्देनज़र शीर्ष स्तर से होने वाली कवायदों के बाद राज्य सरकार में और पार्टी के नेतृत्व के ढांचे को लेकर एक संतुलनवादी रुख अख्तियार किया गया।